लोग मीठा खाने के बेहद शौकीन होते हैं, लेकिन शक्कर का सेवन करते वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ और शुगर का खतरा सताता रहता है। लेकिन अब आपको मीठा खाने से परहेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कानपुर के राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने एक खास शुगर तैयार की है। यह खास शुगर लो जीआई वाली है। इसको खाने से शुगर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा बिल्कुल ना के बराबर रहता है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर ने लो जीआई शुगर बनाने की एक नई तकनीक विकसित की है, और ये जो लो जीआई शुगर है ये लिक्विड फॉर्म में भी है और ये सॉलिड फॉर्म में भी, क्रिस्टल फॉर्म में है। और साथ ही ये जो लो जीआई शुगर बनी है, इस शुगर को हमने विटामिन ए के साथ फोर्टिफिकेशन भी किया, फोर्टिफाइड शुगर भी है। ये जो लो जीआई शुगर है, आप जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके से किसी आम आदमी की सेहत के लिए फायदेमंद है। जो हमारे तीन तरीके के फूड होते हैं जिनको कि हम हाई जीआई कहते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, मिड ग्लाइसेमिक इंडेक्स का और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 55 के नीचे अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो लो जीआई कहलाता है। ऐसी कोई भी चीनी या ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जो लो जीआई होता है वो आपके ब्लड शुगर के लेवल को कम तेजी के साथ बढ़ाता है। तो डायबिटीज में जो प्रॉब्लम होती है वो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है, या आम आदमी अगर चीनी खाता है तो उसके ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है। अगर आप इस तरीके का कोई भी फूड लेते हैं जो कि लो जीआई है तो आपके ब्लड शुगर का लेवल कम तेजी से बढ़ता है। शुगर और बीमारी का नाम भी शुगर, तो शुगर और डायबिटीज ये दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है। तो जो डायबिटीज जिनको होती है वो शुगर नहीं खाते क्योंकि उनकी ब्लड शुगर का लेवल तेजी से बढ़ता है। ये जो चीनी हमने बनाई है लो जीआई की, ये आपके ब्लड शुगर के लेवल को इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ाएगी। तो जिनको डायबिटीज है या अन्य लोग भी जो चाहते हैं कि उनकी शर्करा में, जो उनके रक्त में या उनके ब्लड शुगर का लेवल तेजी से ना बढ़े, वो इस शुगर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है ये पूरी की पूरी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि एक मिनिमम केमिकल के साथ हमने पहले चीनी को तैयार किया है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को मिलाया है जो कि नेचुरल है, जिसमें कि स्टीविया, मॉन्ग फ्रूट, इस तरीके की दूसरी चीज़ें हैं, और उसके बाद उसको लिक्विड और क्रिस्टलाइन दोनों फॉर्म में हमने रखा है। साथ ही हमने इस चीनी का विटामिन ए के साथ फोर्टिफिकेशन किया है, क्योंकि आम जनमानस में देखते हैं कि विटामिन ए की कमी है, तो इस फोर्टिफिकेशन से भी उनको लाभ हो सकता है। तो ये चीनी जो बनी है इसमें 4 वर्षों की अथक मेहनत लगी है। अनुष्का करवाडिया जो सीनियर रिसर्च फेलो है, उन्होंने, शिक्षा सिंह ने और श्रुति शुक्ला, ये तीन जो हमारी जो रिसर्च स्कॉलर्स थी, उन लोगों ने इसको बनाया है शुगर टेक्नोलॉजी में 4 वर्षों की अथक मेहनत के बाद। और ये प्रोडक्ट अब सामने है, जिसका कि शीघ्र ही हम लोग जो है पेटेंट भी फाइल करेंगे और इसका कमर्शलाइजेशन भी।